नमस्कार दोस्तों, देसी वैसी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चलूंगा विंटर स्पेशल डिनर में। और ये बहुत ही खास खाना होता है क्योंकि ये हमेशा ठंडी में खाया जाता है, इसको आप देसी खाना भी कह सकते हैं। और प्लीज ये मेरा वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल विंटर डिनर। तो आइए चलिए मेरे साथ, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों फाइनली मैं वो जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि विंटर स्पेशल डिनर में क्या क्या है, आपको सब दिखाऊंगा। मैं आया हूँ देसी वाइस में, जो कि अहमदाबाद में मोटेरा के पास तपोवन सर्किल में है। ये ऑलरेडी बहुत ही फेमस कैफे है जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मिस्टर हार्दिक वाजपेयी, जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं और छोटे भाई भी हैं। हार्दिक आइए सर, आपका स्वागत है। कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। जो दोस्त दिख रहे हैं उनको तो हाय बोलते मेरे भाई। हाय फ्रेंड्स, आप लोग नहीं आए, आप भी आ जाओ सर के साथ, क्या बात है। दोस्तों हार्दिक का परिचय देता हूँ मैं आपको। ये एक बहुत प्रोफेशनल शेफ है और ये अहमदाबाद में बहुत ही फेमस है। इनका बहुत मतलब बड़ा काम है कैटरिंग का। और आज हर साल जब भी सर्दियां आती हैं तो हार्दिक भाई ये विंटर स्पेशल डिनर का आयोजन जरूर करते हैं और मुझे जरूर याद करते हैं। लेकिन इस बार सोचा मैंने क्यों नहीं मैं आपको भी ले चलूं और आपको भी दिखाता हूं। तो हार्दिक चले फिर मेरे भाई, आइए साथ में, आपका स्वागत है। दोस्तों हार्दिक भाई के साथ हम लोग आ चुके हैं विंटर स्पेशल डिनर बफे में। तो हार्दिक भाई प्लीज आप बताएं क्या क्या चीजें हैं प्लीज, जो हमारे दोस्तों को देख रहे हैं। सर ये पहला है सुखड़ी। अच्छा, इसको गुजराती स्वीट बोलते हैं। ओके। ये स्प्रिंग अनियंस। अच्छा। इसको लीली डूंगरी बोलते हैं। अच्छा। और ये एज ए सलाद खाई जाती है। ओके। और ये है गुजराती डिश ठोठा। ठोठा ये तो बड़ा फेमस है। हाँ, ये तुअर के दाने, सूखी हुई तुअर का बनता है। अच्छा। और मेनली है ये, अच्छा, हल्दी की सब्जी। ओहो, क्या हल्दी की सब्जी का बनाने का मेनली रेसिपी ये है कि जितनी हल्दी होती है उतनी क्वांटिटी में उसमें देसी घी मिलाया जाता है। क्या बात है। यानी ये बहुत रिच न्यूट्रिशन है। अच्छा। और इसको खाने से तो मतलब कहा जाता है कि सर्दियों में खाने से इसमें 21 साल आप बीमार नहीं पड़ोगे अगर एक बार खा लिया। क्या बात है दोस्तों, फिर तो ये जरूर रास्ते में भर भर के खाऊंगा। भाई ये जो ठोठा और ये जो सब्जी बताई आपने, ये तो गुजरात में तो फेमस है ही है सर्दियों में। हाँ। लेकिन इसके अलावा ये पूरे इंडिया में भी खाई जाती है। हाँ, सर ये एज ए गुजराती डिश मानी जाती है। अच्छा। और मेनली विंटर्स में खाई जाती है क्योंकि इसका थोड़ी ये सब्जियां गर्म भी होती है और गर्म भी, हाँ भी होती है। और हल्दी तो वैसे भी आयुर्वेदिक बहुत ही फायदा करती है। हाँ जी, हाँ जी। और हल्दी तो मतलब गुजरात में लोग बाग कच्ची भी खाते हैं घरों के अंदर। हाँ। और ये रोटी जो है किसकी है? ये है बाजरे की रोटी। क्या बात है, बाजरे का रोटला। हाँ जी। अच्छा, ओके। और ये बेसिकली बनता है मट्टी के तवे पे। इसको यूजुअली आप लोहे के तवे पे नहीं बना सकते हो। ओके। और वो बनेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब मिट्टी के तवे बनता है तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है। दोस्तों देखिए बाजरे का रोटला जो है, बाजरे की रोटी, ये भी पूरा मिट्टी के तवे बनाई गई है। आपको इसका स्वाद दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। ये क्या हार्दिक? ये है सर लहसुन की चटनी है। अच्छा, लहसुन की चटनी। हाँ। और ये है देसी घी। क्या बात है, देसी घी का खजाना। हाँ सर, देसी घी खाओगे तो अपने आप बॉडी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये है गुड़ सर। अच्छा, ये गुड़ है। हाँ। और ये है नॉर्मली ब्रेड। अच्छा, ब्रेड। इसको ठोठा के साथ खाई जाती है। ओके। और ये है वेज पुलाव। ये वेज पुलाव है। हाँ जी। ओके। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ का स्वाद भी दिखाऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है, इसका जायका कैसा है। तो आइए देखते हैं इसका जायका कैसा है। दोस्तों आप मेरी थाली देखकर समझ चुके होंगे कि मुझे ये फूड में कितना मजा है, क्योंकि जब भी मुझे कोई स्पेशल फूड खाने का मौका मिलता है, जैसे मैं आज खा रहा हूँ विंटर स्पेशल गुजराती फूड, तो दोस्तों मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको एक काम जरूर करना है, मेरे देसी बासु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।